हेलो, माय नेम इज नितिन गुप्ता एंड वेलकम टू नितिन गुप्ता क्लासेस। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज नितिन गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियोस ऑफ माय ऑनलाइन क्लासेस इन व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द अपकमिंग क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ वीडियो एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 8 व्हिच इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चैप्टर, ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द चैप्टर इन द प्रीवियस वीडियोस एंड इन दिस वीडियो we are going to discuss and we are going to start from question number 9. So let us begin with this video. Question number 9, यहाँ से कहा गया है कि आपको तीन numbers दिए गए हैं। Question number 9 में आपसे कहा गया है तीन numbers हैं 25, 35 and x. 25, 35 and x ये तीनों ही numbers continued proportion में हैं। किसमें हैं? Continued proportion में। अब continued proportion क्या होता है? जैसे हमने mean proportional समझा था, जिसमें हमने बीच वाले नंबर को रिपीट किया था, सेम यहाँ पर बीच वाले नंबर को रिपीट किया जाता है। कहने का मतलब है कि आप लिख सकते हैं 25 इज टू 35 प्रोपोर्शनल टू 35 इज टू x। तो कहने का मतलब क्या है? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब है बीच वाला नंबर रिपीट करेगा। आप देखिए रिपीट हो रहा है इस तरीके से, तो अब आपको क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स का मेथड यूज करेंगे। हम लिख देते हैं एक बार फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। अब इस फॉर्मूले को यूज करते हुए क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। दैट मीन्स 35 का मल्टीप्लाई 35 से और वो बराबर होगा 25 का मल्टीप्लाई x के साथ। अगर आपको इस x की वैल्यू को निकालना है तो 25 को वहां जाकर डिवाइड करवाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 35 मल्टीप्लाई बाय 35 डिवाइडेड बाय 25। ये किसके इक्वल आ जाएगा? x के, जो आपको कैलकुलेट करना है। अब इसे सिंपलीफाई करेंगे, 5 की टेबल से 5 टाइम, 5 की टेबल से 7 टाइम, अगेन 5 एंड 5, 5 7 का 35, तो 7 * 7 कितना हो गया? x की वैल्यू निकल आई 49। क्या निकल आई? 49। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, उसके अंदर भी आपको क्या दिया गया है? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोला गया है। नंबर्स हैं 4, x, 9। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को जल्दी से एक्सप्लेन करते हैं। आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, हम इसी में ही आपको इसको एक्सप्लेन करके समझा देंगे। क्या करेंगे हम अब यहाँ पर क्वेश्चन को मॉडिफाई कर देंगे। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स में से नोट कर लिया होगा। हम यहाँ पर समझ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10, 4, x, 6। अगेन ये नंबर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हमने समझाया बीच वाला नंबर रिपीट करेगा। 4 इज टू x प्रोपोर्शनल टू x इज टू 6। अगेन अब प्रोपोर्शन आपको मिल चुका है पूरा, अब प्रोपोर्शन अगर आपको मिल चुका है बस इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए और अपने आंसर को ऑब्टेन कर लीजिए। x मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय 4। x इनटू x कितना होता है? x स्क्वायर, और 6 इनटू 4 कितना होता है? 6 4 का 24। 6 दे रखा है, 9 दे रखा है। क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, हमने गलत लिख दिया है, यार 9 दे रखा है। तो 9 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। ये स्क्वायर वहां जाकर क्या बनाएगा? वहां जाकर रूट में 36 बनाएगा। और इस रूट को सॉल्व करना आप जानते हैं, 36 6 6 का होता है, तो यहां पर आपको x = root of 6 * 6 पेयर बन चुका है। इस पेयर में से एक नंबर बाहर आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? x की वैल्यू हो गई 6। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये समझ में आ रहा होगा कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, बस इसी मेथड का यूज करते हुए आपको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस को सिंपलीफाई करना था। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन में आपको तीन नंबर्स दिए गए हैं। प्रोपोर्शन में चार नंबर्स होते हैं, जिसमें से तीन नंबर्स आपको दिए गए हैं, पहला, दूसरा
और चौथा, ये चार नंबर्स, चार में से तीन नंबर्स दिए गए हैं, तीसरा नंबर आपसे पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस तीसरे नंबर को लेट कर लेंगे। हम समझ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। लेट द थर्ड नंबर बी एक्स। थर्ड नंबर को क्या मान लिया हमने, एक्स मान लिया। अब प्रपोर्शन बनाएंगे, प्रपोर्शन की पहली टर्म 6, फिर 18, फिर थर्ड नंबर एक्स, और फिर आएंगे फोर्थ नंबर जो आपको बुक से मिलेगा, वो है 25। इस तरीके से आपका पूरा प्रपोर्शन बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें पहली नंबर 6, दूसरा 18, तीसरा आपने माना है, और फोर्थ हो जाएगा 25। सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल यही रहेगा जैसा यहाँ किया था, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, कोई डिफरेंट फॉर्मूला यूज नहीं करना आपको। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। एक और बात, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर आप सभी स्टूडेंट्स को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए। अगर आप लोगों को कोई सुझाव देना है या कुछ हमसे डाउट्स पूछने हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद नहीं आती है, कोई बात नहीं, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और कमेंट करके जरूर बताइए आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, क्या इश्यूज फेस कर रहे हैं, या आप हमें किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं, आप हमें ये सारी बातें हमें कमेंट सेक्शन में करके जरूर बताइए। हमारी वीडियो को लाइक जरूर करिए, और अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जो रेड कलर का आइकन है उसे प्रेस करिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिए। बेल आइकन को प्रेस करने पर आप लोगों को हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे, जिन्हें आप सबसे पहले देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट, बट उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और कॉमेंट करके हमें बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर अगेन फॉर्मूला आपको हमने बताया है, फॉर्मूला आपको हर बार लिखना है। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स का फॉर्मूला यूज किया हमने। अब यहां पर 18 का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ। क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए अब आपको यहाँ पर इसको 18 जो मल्टीप्लाई कर रहा था उसे हमारे ज्यादा क्या करवाना पड़ेगा, डिवाइड करवाना पड़ेगा। 6 की टेबल से 3 टाइम्स सिंप्लीफाई कर दिया, और अब आपको क्या करना है, अब आपको या तो डेसिमल्स का आंसर निकालिए या आप इसका आंसर फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं। कौन सा फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। आप इंप्रॉपर फ्रैक्शन में मत छोड़िएगा, अगर आंसर इंप्रॉपर में आ रहा है तो उसे मिक्स में जरूर चेंज कर लीजिएगा। तो चलिए अब 25 को हमें 3 से डिवाइड करके ये बताना है कि उसका आंसर मिक्स में क्या आएगा। एक आंसर आ चुका है x = 25/3, पर इसको अभी मिक्स में जरूर चेंज करेंगे। तो ये लिख सकते हैं हम 8 होल 1/3, क्या लिख सकते हैं 8 होल 1/3। तो या तो ये आंसर ठीक है या फिर ये ठीक है, दैट मीन्स दोनों ही आंसर सही हैं। आप एग्जाम में दोनों आंसर लेकर आइए और आपके कभी भी कोई नंबर नहीं काट पाएगा, टीचर्स भी आपको फुल मार्क्स प्रोवाइड करेंगे। इससे आप लोगों की नॉलेज का भी पता चलता है कि आप लोग इम्प्रॉपर फॉर्म मिक्स में किस तरीके से कन्वर्ट करना जानते हैं। चलिए आई होप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा, सभी स्टूडेंट्स ने इसे नोट कर लिया होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 12। सेम क्वेश्चन नंबर 12 आपको 9 और 10 की तरह करना है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल बोला गया है, तो अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है तो अगेन हम 10th को रख करके सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 10th को रख करेंगे और फिर यही सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कहा जा रहा है कि आपको 3 नंबर्स दिए गए हैं, 6, 36 एंड 216। आपको ये बताना है क्या ये तीनों नंबर्स कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हैं या नहीं है। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होने के लिए क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर आना चाहिए, मतलब ये दोनों एक दूसरे का रिफ्लेक्शन बनाएंगे, ये दोनों मिलकर एक रेशियो बनाएंगे। दैट मींस
इन दोनों का प्रोडक्ट इसके स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। अब अगर ये प्रपोर्शन होता, समझिए अगर ये प्रपोर्शन होता तो ये कुछ ऐसे लिखा जाता। हमने यहाँ पर बीच में कोई भी रेशियो या प्रपोर्शन का साइन यूज नहीं किया है, कंटिन्यूड प्रपोर्शन पूछा गया था, इसलिए हमने बीच वाले नंबर को रिपीट कर दिया। प्रोडक्ट हमने बीच में से रिवर्स हटा दिया। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का मतलब है 36 का 36 से मल्टीप्लाई, और यहाँ लाइन ला दीजिए। और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का मतलब है 6 का मल्टीप्लाई 216 के साथ। तो अब आपको क्या करना है, जस्ट इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आपको ये बताना है क्या ये दोनों नंबर्स इक्वल हैं। तो चलिए 36 का मल्टीप्लाई 36 से करिए और बताइए क्या ये दोनों नंबर्स क्या आता है इसका मल्टीप्लाई करके। तो आप देख सकते हैं कि 36 को 36 से मल्टीप्लाई किया तो 2196 निकल कर आया, सॉरी 2196 नहीं 1296 आया। और जब हम 216 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 1296 निकल कर आएगा। दैट मीन्स जब दोनों ये बराबर हैं, जब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स बराबर हैं, तो आप कह सकते हैं देयरफॉर दे आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। दिए गए तीन नंबर्स कंटिन्यूड प्रपोर्शन में हैं। तो आपको बस इसी तरीके से क्वेश्चन को समझना है। कंटिन्यूड प्रपोर्शन के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, सिमिलरली मीन प्रपोर्शन के क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट हैं। किस तरीके से इनको सॉल्व किया जाता है ये आपको हमने समझा दिया है। आपको इन्हीं तरीके से अपने सारे क्वेश्चंस को टाइप करके इनको सिंप्लीफाई करना है। चलिए आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आ गया होगा। तो अब इसी उम्मीद में हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 में आप लोगों को थर्ड प्रपोर्शनल निकालने के लिए बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? थर्ड प्रपोर्शनल निकालने। तो आपको दो नंबर्स दिए गए हैं 32 और 16, और 32 और 16 की मदद से आप इसका थर्ड प्रपोर्शन कैलकुलेट करेंगे। आपको दो नंबर्स दिए गए हैं, कॉमन बनाया है हमने 32 और 16 दो नंबर है, इसका थर्ड प्रपोर्शनल पूछा जा रहा है। अगेन सेम वही क्वेश्चन है। थर्ड प्रपोर्शनल पूछने का मतलब है कि आपसे यहाँ पर एक एक्स पूछा जा रहा है, और आप जानते हैं कि जब कभी भी आपको इस तरीके से तीन नंबर्स दिए जाते हैं, देखिए यहाँ पर दिए गए थे, तो आप हमेशा बीच वाले नंबर को दो बार लिख लेते हैं, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन में? लेट द क्या लिखा आपने सबसे पहले? लेट द थर्ड प्रपोर्शन बी एक्स। थर्ड प्रपोर्शन एक्स माना तो पहला 32, फिर 16 और फिर एक्स। बीच वाले नंबर को दो बार लिख लीजिए। 32 is to 16 प्रपोर्शनल टू 16 is to x। और सेम अब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्स का फॉर्मूला यूज करिए और अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे? पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला लिखने के बाद अब आप इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। मीन्स का मतलब 16 का मल्टीप्लाई 16 के साथ, और एक्सट्रीम का मतलब 32 का मल्टीप्लाई एक्स के साथ। अगर आपको ये x की वैल्यू निकालनी है 32 को वहां ले जाकर डिवाइड करवाना पड़ेगा, तो ये जाएगा 16 × 16 / 32 = x। आप जानते हैं 16 × 32 होता है, और 2 की डबल से ये कटा तो कितना आ गया? 8 आ गया। x की वैल्यू इस तरीके से 8 निकल आई। दैट मींस थर्ड प्रोपोर्शनल जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा था क्वेश्चन 13 में, कितना निकल आया? तो निकल आया 1। तो इस तरीके से आप लोगों को चाहे मीन प्रपोर्शन बोला जाए, चाहे कंटिन्यूड प्रपोर्शन बोला जाए, या फिर थर्ड प्रपोर्शन बोला जाए, हमेशा बीच वाला नंबर ही हमेशा रिपीट होगा। क्या होगा? हमेशा बीच वाला नंबर ही रिपीट होगा। आपको बस इसी बात का ध्यान रखना है कि हमेशा बीच वाले नंबर को ही रिपीट करेंगे,
आप इसके अलावा कोई और मेथड यूज मत करिए। आप बस इतना याद रखिए, चाहे मेन प्रोपोर्शनल हो, चाहे थर्ड प्रोपोर्शनल हो या कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल हो, हर केस में हमेशा बीच वाला नंबर ही रिपीट करते हैं, उसको दो बार लिख लेते हैं। तो आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये वीडियो समझ में आया हो, बोर्ड पे लिखे हुए क्वेश्चंस आप लोगों ने अच्छे से सॉल्व किए हो। तो बस इसी उम्मीद के साथ आज की जो अपनी वीडियो है यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो के अंदर हम इनके आगे आने वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई सुझाव हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सब्सक्राइब टू माई चैनल नितिन गुप्ता क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द लेटेस्ट वीडियोस। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एट नितिन गुप्ता क्लासेस। यू कैन ऑल्सो मेल मी एट nitingupta_classes17@gmail.com। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।